दोस्तों, यह बात तब की है जब औरंगजेब के दरबार में एक शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाता है। लोहे के पिंजरे में बंद शेर बार बार उस वक्त दहाड़ मार रहा था। बादशाह तभी कहता है, इससे बड़ा भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। तभी वहां सभी दरबारियों ने हाँ में राजा की हाँ मिलाई, किंतु वहां मौजूद राजा जसवंत सिंह जी ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर तो मेरे पास है। क्रूर एवं अधर्मी औरंगजेब को यह बात नौगवारा गुजरती है और वह क्रोधित हो उठता है और क्रोध में कहता है कि तुम अपने सिर को हमारे सिर से लड़ने के लिए छोड़ दो, यदि तुम्हारा सिर हार गया तो तुम्हारा सर काट लिया जाएगा। दूसरे दिन किले के मैदान में दो शेरों का मुकाबला देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तभी राजा जसवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र राजकुमार पृथ्वी सिंह के साथ आते हैं। उन्हें देखकर बादशाह औरंगजेब पूछता है, आपका सिर कहाँ है? तभी राजा जसवंत सिंह बोलते हैं, मैं अपना सिर तो अपने साथ लाया हूँ, आप केवल लड़ाई की आज्ञा दीजिए बादशाह। कि आज्ञा से जंगली सिर को लोहे के बड़े पिंजड़े में छोड़ दिया जाता है। तभी जसवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजड़े में घुस जाने की आज्ञा देते हैं। बादशाह एवं वहां के लोग यह देख हक्के बक्के रह जाते हैं, किंतु 10 वर्ष का यह निर्भीक बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते सिर के पिंजड़े में घुस जाता है। सिर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों में देखते ही एक बार तो वह पूंछ दबाकर पीछे की ओर हट जाता है, लेकिन मुस्लिम सैनिकों द्वारा भाले की नोक से उकसाए जाने पर सिर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर टूट पड़ता है। वार से बचने के लिए वीर बालक पृथ्वी सिंह एक और पीछे की ओर हटते हैं और अपनी तलवार खींच लेते हैं। पुत्र को तलवार निकालते हुए देखकर तभी राजा जसवंत सिंह पुकारते हैं, बेटा तू यह क्या करता है? सिर के पास क्या तलवार है जो तू उस पर तलवार चलाएगा? यह हमारे हिंदू धर्म की शिक्षाओं के विपरीत है और धर्म युद्ध नीति की भी। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और निहत्ता ही सिर पर टूट पड़ते हैं। अंतहीन से दिखने वाले एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उस छोटे से बालक ने सिर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर पूरे शरीर को चीरकर दो टुकड़े में करके फेंक देते हैं। भीड़ उस वीर बालक पृथ्वी सिंह की जय जयकारे करने लगती है। अपने और सिर के खून से लथपथ पृथ्वी सिंह जब पिंजड़े से बाहर निकला तो पिता ने दौड़कर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। तो ऐसे थे हमारे पूर्वजों के कारनामे, जिनके मुखमंडल वीरता की ओज से ओतप्रोत रहते थे, और आज हम क्या बना रहे हैं अपनी संतति को, सारे गामा लिटिल चैंप्स के नचनिए। आज समय फिर से मुड़कर इतिहास के उसी औरंगजेबी काल की ओर ताक रहा है और हमें चेतावनी देता हुआ सा कि जरूरत है कि हिंदू अपने बच्चों को फिर से वही हिंदू संस्कार दे, ताकि वक्त पड़ने पर वो भी शेर से भिड़ जाए, ना कि सुअरों की तरह चिड़ियाघर के पालतू शेर के आगे भी हाथ पैर जुड़े खड़े रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी इतिहास की यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।